हेलो एवरीवन, तो मोटरवुड की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं होंडा की तरफ से आने वाली एक्टिवा 125। तो हमने एक्टिवा प्रीमियम जो है उसका रिव्यू पहले कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक एक्टिवा प्रीमियम की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाके देख लीजिए। और अब जो है हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक्टिवा 125 का। तो हम देखते हैं क्या कुछ फीचर कंपनी इसके अंदर अपने को प्रोवाइड करती है और किस प्राइस रेंज में ये अपने को देखने को मिल जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर बात करें कुछ फ्रंट फेस से, तो फ्रंट के अंदर कुछ इस प्रकार का लुक अपने को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अपने को एलईडी जो हेडलैम्प है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अपने को टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ होंडा की बैजिंग देखने को मिल जाती है अपने को। यहाँ पर अपने को नंबर प्लेट जो है उसका स्पेस मिल जाता है। ये जो है ये अपने को DRLs दिए गए हैं। यहाँ पर अपने को कुछ क्रोम का जो क्रोम फिनिश है वो देखने को मिल जाती है अपने को यहाँ पर। और इसके अंदर यहाँ पर जो है मेटल का जो यूज़ किया गया है मडगार्ड के अंदर भी, और कुछ इस प्रकार के अपने को अलॉय व्हील्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। देखिए जैसे कि एक्टिवा जो थी, मतलब 125 है, इसके अंदर अपने को अलॉय का ऑप्शन मिलता है। बाकी जैसे कि एक्टिवा सिंपल है और जो एक्टिवा प्रीमियम है उनके अंदर अपने को स्टील रिम्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर अपने को जो है वो अलॉय व्हील का ऑप्शन कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाता है। और ये देखिए यहाँ पे अपने को कॉम्बो ब्रेक है वो सिस्टम अपने को देखने को मिल जाता है। और कुछ इस प्रकार का जो लेग स्पेस है वो अपने को मतलब मच बेटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अपने को जो ग्लव बॉक्स है वो अपने को देखने को मिल जाता है। मतलब जो है स्पेस जो है कुछ अच्छा खासा तो नहीं है, लेकिन ये है कि बढ़िया स्पेस है। जो अपने डॉक्यूमेंटेशन है वो आराम से अपन इसके अंदर रख सकते हैं। और अगर बात करें साइड लुक से, तो साइड लुक के अंदर अपने को कुछ इस प्रकार की यहाँ पे देखिए जैसे कि क्रोम के अंदर अपने को एक्टिवा 125 जो है वो देखने को मिल जाता है। पहले यहाँ पे अपने को जो था मतलब एक्टिवा 125 यहाँ देखने को मिलता था, जो कि मतलब थोड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन जो ये है ये अपने को एक्टिवा के अंदर जो 125 का जो बैजिंग है वो अपने को यहीं पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो ESP है, जो मतलब एनचेंज स्मार्ट पावर जो होंडा की तरफ से आ रही है, उसका अपने को देखने को मिल जाता है। 125cc का जो है वो बेहतरीन इंजन जो स्कूटी के अंदर है वो अपने को यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें कुछ बैक लुक से, तो बैक लुक के अंदर यहाँ अपने को फ्यूल कैप देखने को मिल जाती है, जो कि कंट्रोल्स आगे से हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। बैक लुक के अंदर अपने को यहाँ अपने को टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ देखिए लाइट के अंदर भी अपने को एक्टिवा 125 की जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ अपने को कुछ बैक लाइट जो है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पे अपने को जो नंबर प्लेट का स्पेस है वो दिया गया है। और अगर देखें तो जो बैक टायर है उसके अंदर भी अपने को अलॉय का ऑप्शन दिया गया है, जो कि मतलब एक नई शुरुआत है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। मतलब पहले स्टील रिम्स आती थी, जैसे इसके अंदर एक्टिवा जो प्रीमियम है इसके अंदर स्टील रिम्स का ऑप्शन है, लेकिन इसके अंदर अपने को अलॉय जो है वो देखने को कंपनी की तरफ से मिल जाते हैं। और अगर बात करें कुछ इस यहाँ के जो कंट्रोल्स की, तो यहाँ अपने को जो फ्यूल जो है वो मतलब जो फ्यूल कैप है उसका मिल जाता है। यहाँ पे अपने को सीट ओपन जो है उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। प्रकार के जो मतलब इग्निशन ऑन के हैं, जो फ्यूल और जो सीट है वो ऑन करने के हैं, वो ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अपने को ACG स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है वो कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाता है। कुछ इस प्रकार का अपने को मीटर देखने को मिल जाता है, स्पीडोमीटर। इसके अंदर यहाँ पे डिजिटली है, इसके अंदर अभी बैटरी नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता है कुछ। और इस प्रकार की कुछ की जो है वो सिंपल की अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है कंपनी की तरफ से। देखिए जैसे यहाँ पर इसमें आपने की लगाई थी, और देखिए जैसे इस प्रकार से मतलब यहाँ ऑफ है, और यहाँ जैसे ही फ्यूल और जो सीट का जो ऑप्शन है उसके ऊपर अपन की को रखते हैं, तो फ्यूल का दबाने पर जैसे ये अपनी जो फ्यूल कैप है ये देखिए यहाँ से ओपन हो गई है, जो कि एक अच्छी बात है कि मतलब जो कंट्रोल्स हैं अपने पूरे हाथ के अंदर है। मतलब अपन बैठे बैठे भी फ्यूल जो है वो फ्यूल अप करवा सकते हैं। यहाँ पे अपने को सीट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। और देखते हैं कि कितना जो स्पेस है, जैसे कि यहाँ पे अपन आराम से अपना जो हेलमेट है वो आराम से मतलब अच्छी तरीके से रख सकते हैं। जो क्लीनिंग क्लॉथ है वो भी आराम से इसके अंदर रख सकते हैं। और जो इसकी सीट है वो मतलब एक बढ़िया स्पेस दिया गया है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है स्पेस की किसी प्रकार की। यहाँ अपने को जो हाई बीम और लो बीम है उसके पावर जो कंट्रोल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ अपने को टर्न इंडिकेटर्स के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे अपने को कुछ हॉर्न जो है उसके कंट्रोल्स देखने को दिए गए। यहाँ को यहाँ जो है अपना जो मतलब कुछ भी कैरी बैग है या हैंगिंग के लिए जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। और जो इसके अंदर जो मतलब फर्स्ट इन सेगमेंट है कि इसके अंदर डिजिटल जो मीटर है वो दिया गया है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा किस प्रकार का लगता है। और जो मतलब इसके अंदर कंपनी दावा करती है कि इसकी जो बॉडी है वो फुल मेटल बॉडी है, मतलब इसके अंदर फुल मेटल बॉडी अपने को देखने को मिल जाती है। और अगर फ्रंट लुक से बात करें तो जो सिग्नेचर ग्रिल है इसकी, जो मतलब एक्टिवा 125 की शुरुआत से चली आ रही है, वो ही मिल जाती है। लेकिन पूरा LED सेटअप अपने को देखने को मिल जाता है,
जो कि मतलब हेडलाइट से लेके और DRLs वगैरह सब कहीं अपने को इसके अंदर अपने को जो है LED लाइट का जो सेटअप है वो देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें इसके फ्यूल टैंक की तो इसके अंदर अपने को 5.3 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो देखने को मिल जाता है। एक्टिवा 125 के अंदर ही अपने को एक डीलक्स मॉडल देखने को मिल जाता है जिसके अंदर अपने को डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी अपने को मिल जाता है, मतलब उसके अंदर अपने को कॉम्बी ब्रेक नहीं मिलते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें कॉम्बी ब्रेक है तो उसके अंदर अपने को जो है स्टैंडर्ड जो है उसके अंदर तो अपने को कॉम्बी देखने को मिलते हैं लेकिन उसके अंदर अपने को अलॉय व्हील देखने को नहीं मिलते। लेकिन जो डीलक्स मॉडल जो आता है उसके अंदर अलॉय व्हील के साथ अपने को डिस्क ब्रेक जो है उसका ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर बात करें इसके सेफ्टी की तो इसके अंदर जो मेरे को सबसे अच्छी सेफ्टी फीचर जो लगा कि जैसे कि अपना साइड स्टैंड जब तक लगा रहेगा तब तक जो अपनी स्कूटी है वो आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, मतलब जो पावर है वो ऑटो कट हो जाएगी इंजन से। तो ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है जिससे मतलब इंडिया के अंदर कई बंदे हैं जो बिना स्टैंड हटाए ही बाइक या स्कूटी जो है उसको आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन ये जो नए फीचर्स हैं जो कंपनी ने इसके अंदर एड ऑन किए हैं ये बहुत अच्छा फीचर है कि स्टैंड जब तक लगा रहेगा जब तक स्कूटी अपनी जो है या बाइक जो अपनी है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। यहाँ कुछ अपने को एयर इनटेक का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। बात करें इस बीस्ट के प्राइस की तो इसके अंदर अपने को 91,500 से लेकर और 99,300 रुपये तक का ऑन रोड प्राइस है वो मिल जाता है, जो कि अपने जो खोकर ऑटोमोबाइल्स है जो फतेहपुर के अंदर शोरूम है उसके अंदर अपने को देखने को मिल जाते हैं। तो अपने जो नज़दीकी शोरूम है उसके अंदर आप एक बार जाइए विजिट कीजिए कि आपके वहाँ क्या कुछ प्राइस है इसका। यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो ऑन रोड 91,500 से लेके 99,300 रुपये तक अपने को दिया गया है। ऐसे ही कार और बाइक रिव्यूज़ की वीडियो के लिए मोटरवुड को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने एक्टिवा प्रीमियम की जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो चैनल के आई बटन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं।